हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज 14 फरवरी है। चलिए हम बैंक निफ्टी 50 पे पहले एक बार अपना व्यू लेते हैं, जो कि वीकली एक्सपायरी। कुछ लोगों का था व्यू कि एक बार निफ्टी 50, जो कि अभी वीकली चालू हुआ है, इस पे अपना व्यू दिया जाए। तो जैसे आप खुद देख रहे हैं, एडवांस 21 है, 21 है, डिक्लाइन है 29, और निफ्टी 50 10746 पे 47 पॉइंट माइनस होकर के 0.44% गिरा हुआ है। और यस बैंक 31 पॉइंट के साथ, इंडिया बुल्स, जीन एंटरटेनमेंट, JSW, टाटा मोटर्स अब होके बंद हुए हैं। IOC, BPCL, हिंडालको, भारतीय एयरटेल गिर के बंद हुए। वापस क्रूड ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऑयल सेक्टर वापस, अब OMC सेक्टर पे थोड़ा कॉशियस रहे, नीचे की ओर जा सकता है। अगर इंडेक्सेस की बात करें तो जो चेंजेस है, निफ्टी 50 निगेटिव है, निफ्टी नेक्स्ट 50 पॉजिटिव है, और निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 निगेटिव है। बाकी सारे इंडिसेस पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर भिक्स की बात करें तो भिक्स 15.7 अप होकर के बंद हुआ है। भिक्स अप है तो मार्केट डाउन जाएगा। निफ्टी बैंक 0.32% ओपन हुआ है, अप हुआ है। ओपन हुआ ये 26,978 पे। हाई बनाया 27,030 का, लो बनाया 26,818 का, और जो क्लोजिंग दिया है वो 26,970 के आसपास क्लोजिंग दिया है। निफ्टी ऑटो पॉजिटिव रहा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस निगेटिव रहा, निफ्टी IT 1.12% के साथ गिर के बन गया, चेंज होकर के 1.12% के साथ निगेटिव बंद हुआ है। मीडिया 3 पॉइंट हाईएस्ट मीडिया में रहा। मेटल गिरा है थोड़ा सा, मेटल लेकिन आगे मजबूती दिखा सकता है। फर्मा अप है 0.92%। PSU बैंक अप रहा, प्राइवेट बैंक अप रहा, और रियल्टी अप रहा। एक बार अगर निफ्टी 50 के बारे में देख लें तो निफ्टी एडवांसेस 21 है, डिक्लाइन 29 है। एडवांसेस यस बैंक 53 पॉइंट के साथ, 41 पॉइंट के साथ, ये आपका 41 पॉइंट के साथ आप देखेंगे तो इंडिया बुल हाउसिंग 41 पॉइंट के साथ अप है। जीन डिटरमेंट 26 पॉइंट के साथ अप है। JSW 9 पॉइंट के साथ अप है। और अगर गिरने वाले में देखें तो गिरने वाले माइशर मोटर गिरा हुआ है। नीचे से देखें आप तो IOC, BPCL, ऑयल सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और गेल, इंफ्राटेल, इंफोसिस, ये सब पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। बजाज फिंसर, कोल इंडिया, महिंद्रा, ये सब पे अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक पे 697, एक कृषि ये बार बार लोअर लेवल पे दिखा रहा है, 700 के नीचे क्लोजिंग हो रहा है, थोड़ा कॉशियस पोजिशन बनाए। ये हो सकता है कि एक बार अगर 690 तोड़ता है तो आपको अच्छे खासे लोअर लेवल को भी दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक पे ये पोजीशन है। अगर मैं कॉल पुट की बात देखो, अगर डेरिवेटिव में जाऊँ, 10,746 पे 14 फरवरी को बंद हुआ है, तो आप देखेंगे पुट पे पॉजिटिव सिग्नल है सारे जगह पे, और कॉल पे शॉर्ट चल रहा है। इनफैक्ट एट द मनी 10,700 पे जाएं, 10,746 है तो 10,700 पे देखेंगे 1,22,000 से शॉर्ट किया जा रहा है 10,700 को, और यहाँ पे 2,66,000 ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव 3,49,000 के साथ बाइंग है। तो 10,700 जिसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 44, अब देखिएगा तो आप ये, चूंकि ये वीकली एक्सपायरी है तो 21 फरवरी 2019 का मैं बता रहा हूँ आपको, जिसकी वीकली एक्सपायरी 21 तारीख को है। तो अगर यहाँ पे आप 10,700 का भी पुट लेते हैं जो कि 44.60 में मिलता है, तो आपको फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है एक बार आपको नीचे की ओर जाता हुआ दिखाए और 10,600 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो करेगा, और नहीं तो 10,550-500 पे जाके सपोर्ट लेगा, और अगर उसके नीचे तोड़ता है तो फिर 10,200 तक तो जा ही सकता है। अभी थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में, क्योंकि देखिए 10,600 पे भी शॉर्ट चल रहा है, वॉल्यूम नहीं ज़्यादा 69,000 का, लेकिन 10,600 पे भी शॉर्ट किया जा रहा है। मीन्स एक्सपेक्टेशन है मार्केट थोड़ा नीचे की ओर ही रहेगा मार्केट। और जैसा चार्ट पे भी आपने देखा, डेली बेसिस पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी ने सारे मूविंग एवरेज को आज के डेट में क्रॉस करते हुए, लगभग सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, और वो जो क्लोज किया 10,746 पे, जैसा बताया ओपन हुआ 10,784 पे, हाई बनाया वही हाई बनाया जो ओपन हुआ वही हाई था, और उसके बाद वो कंटिन्यू फॉल दिखाते रहा और नीचे की ओर गया, 10,719 का लो बनाया, और फिर जाकर के ऊपर रिकवरी देकर 10,746 पे अपनी पोजीशन बनाता है। अगर मैं आपको ये आवरली बेसिस पे दिखाता हूँ आपको, तो
आवर्ली बेसिस पे भी देखेंगे तो एक यहाँ पे जो एक बार बनाए उसके बाद ये खड़ा रहा, आज चूँकि एक्सपायरी थी इसको लेकर के ये पोजीशन खड़ा रहा, तो अब इसको ये तोड़ेगा और अगर तोड़ता है तो 10,700 पे इसको सपोर्ट मिल देगा पहला, और 10,700 पे सपोर्ट लेने के बाद ये वापस ये नीचे वाले कैंडल को फॉलो कर सकता है, जहाँ 10,674 है ये बना सकता है। तो आगे देखिए कैसा सपोर्ट लेता है, लेकिन इसको मोस्ट प्रॉबली यहाँ पे 10,650 10,640 के पास सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मुझे अभी जो इस पे पैटर्न लग रहा है ये निगेटिव का लग रहा है, और ये एक बार नीचे की ओर तोड़ेगा ऐसा बिलीव हो रहा है कि एक बार नीचे की ओर ये जा सकता है। और बार बार आप देखेंगे यहाँ पे ये अप जा रहा है, लेकिन इस लेवल एक यहाँ पे आप 10 इस बार 11073 एक बार जाके भी आया थोड़ा सा, वहाँ से पुलिस सिंगल ये इंडिसिजिव कैंडल बना, और उसके बाद कंटिन्यूस लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से आप देखिए जो लो लोअर लो फॉर्म कर रहा है, यहाँ का जो लो था 10,793 10,772 का लो था, अब जो लो बनाया 10,719 का बनाया, तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन ये चालू कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसको ये तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, और जो ये लो था एक बार ये जो लो बनाया था यहाँ पे 10,583 इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो डेरिवेटिव में अगर अगर इंडिसेस की बात करें, फ्यूचर मार्केट में क्या चल रहा है अभी, तो आप देखें जो डाउ जोन्स बता रहा है 98 पॉइंट निगेटिव अभी बता रहा है, और S&P या तो दो चीज़ें कल आपको या तो हो सकता है कि न्यूट्रल मार्केट दिखा जैसे यहाँ दिख रहा है, मार्केट 10-20-40 पॉइंट में वापस ओपन होके इंडिसेसिव कैंडल बनाए, और अगर इंडिसेसिव कैंडल बनाता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपको डेरिवेटिव में 10,700 का पोजीशन है वो अच्छा रहेगा, 10,700 का पुट जो है क्योंकि 44 रुपये में, और नहीं तो 10,700-600 का पुट जो 20 रुपये में मिल रहा है ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो पुट की और पोजीशन आप देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये कोई मार्केट में डायरेक्ट पोजीशन नहीं बनाई, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए निफ्टी में, तो निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि निफ्टी आपको और वीक होते हुए दिखाई दे, और जहाँ तक इसमें ट्रेडिंग की बात है तो इंडिसेस की बात है वो आपको बता ही दिया, और बाइंग सेलिंग की बात अब एक बार देख लेते हैं एक बार इसमें क्या हो रहा है, वह FIDI की ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या हुई है। तो आज 14 फरवरी को देख जहाँ पे 250 करोड़ का FI ने सेल किया है वहीं पे DI ने 1225 करोड़ की खरीदारी की है, तो अब ये पोजीशन आपको नेगेटिव साइड बन रहा है। तो कमिंग डेज में आपको थोड़ा नेगेटिव पोजीशन बनेगा, 15 मार्च तक जैसा मैंने आपको हर वीडियो में कोशिश किया है तो एक नेगेटिव पोजीशन फिर बनेगा, और एक बार नीचे ये मार्केट जाएगा और लेवल 10,200 का टेस्ट करेगा, बैंक निफ्टी 26,000 का लेवल टेस्ट करेगी, तो अब कॉशियस पोजीशन बना के रखें, और पुट साइज में ज़्यादा फेवरेबल मार्केट दिखता है मेरे को, या शॉर्ट साइज में ज़्यादा मार्केट फेवरेबल दिखता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों पे मेरा नेगेटिव व्यू ही है अभी, अभी कोई पॉजिटिव क्योंकि वो 27,000 क्रॉस नहीं कर रहा, वो बार बार 10 ही बैंक निफ्टी और वहाँ से रिटर्न आ रहा है, और ये बार बार ये 10-11,000 को टेस्ट करता है और वहाँ से नीचे की ओर आ जा रहा है। तो एक बार ये लंबा ब्रेक देगा, जब भी देगा ये लंबा ब्रेक डाउन मारेगा, क्योंकि आप देखेंगे ये एक दो बार नहीं हो चुका है, आप कंटिन्यू आपको बताऊं तो ये एक फॉल जो गिराया था यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बना है 10,300 उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5 times चेक कर चुका है ये, बार बार ये यहीं पर रिपीट कर रहा है। तो अब ये हो सकता है कि अब ज़्यादा वेट नहीं करेगा, बहुत लंबा हो चुका है ये, और इस बार हो सकता है पाँचवीं बार मौका नहीं देगा, ये नीचे तोड़ के नीचे जा सकता है मुझे, क्योंकि आप देखिए हर बार ये यहाँ पे इस रेंज पे खेल रहा है, इस रेंज पे देखिए कब से ये घूम रहा है, यहाँ से मैं समझिए एक ये फॉल हुआ था लगभग हुआ था 11 दिसंबर को, उसके बाद ये फॉल किया यहाँ पे पहला 26 दिसंबर को, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया 4 जनवरी को, फिर ये नीचे की ओर कोशिश किया 11 जनवरी को, फिर ये ट्राई किया यहाँ पे अब इंडिसेसिव कैंडल बनाया 29 जनवरी को, फिर अब ये जा रहा है नीचे की ओर जा रहा है, तो बाउंस बैक ले रहा है, लेकिन ये ऊपर की ओर इस पोजीशन को क्रॉस नहीं कर रहा, ऊपर 11,000 और नीचे यहाँ पे 10,650 के आसपास इसको आके सपोर्ट मिल जाता है, 10,650-10,600 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो एक बार जब ये तोड़ेगा तो आपको लंबा तोड़ेगा, और हो सकता है कि ये जो लोअर लेवल है इसको जो टेस्ट किया था 10,333 इसको भी ब्रेक करके नीचे की ओर वापस आपको यहाँ पे जो लेवल दिखाया था इसने 10,079 इस लेवल को टच कर सकता है। तो जब तक इस लेवल से ऊपर है तब तक आप एक ट्रेंड लाइन बना लें, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ये लाइन को अगर हम बता दें तो इस लाइन को अगर
ब्रेक करता है, तो आप समझिए जो कि ऑलरेडी एक ब्रेक तो दिख ही रहा है यहाँ पे, और एक बार इस लाइन को भी देख लें यहाँ से, लाइन को भी देखेंगे तो ये जो आ रहा है 10,700 ही आ रहा है, 10,700, 10,650। इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तो वापस ये आपको 10,300 के आसपास आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही एक लाइन था जहां से आपको ये अप लिया था ऑलरेडी। ये देखेंगे एक ये भी एक लेवल है 10,781, 10,750, तो उसके नीचे ही ट्रेवल कर रहा है, ऑलरेडी नीचे जा चुका है ये, तो देखते हैं वापस पुट की ओर पोजीशन। और कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा है, तो सेलिंग पैटर्न रेड पैटर्न है, सेल पैटर्न ज़्यादा है। और अगर एक बार मैं इसको मैं आपको एमएसडी की लाइन भी बता दूं, तो एमएसडी क्या बता रहा है, तो एमएसडी भी आप देखेंगे कि नीचे की ओर क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो एमएसडी भी निगेटिव ही पैटर्न बता रहा है। अगर मैं इसको आरएसआई भी बता दूं एक बार आपको, तो RSI भी जो है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो RSI बताओ, MACD बता दिया आपको, और एक बार स्टॉकिस्ट भी देख लेते हैं अपन, स्टॉकिस्ट RSI देख लेते हैं, तो ये भी देखिए इसको क्रॉस करके ये नीचे की ओर जा रहा है, तो कहीं पे भी जो है एक निगेटिव ही पैटर्न थोड़ा सा दिख रहा है। तो निफ्टी में कॉशियस पोजिशन रखें, और हो सकता है निफ्टी नीचे की ओर आपको दिखा सकता है। तो जैसा कि आपको बताया था कि 10,700 का पुट जो है आपको 44 रुपये में मिल रहा है, और 10,650 का 30 रुपये में, 10,600 का 20 रुपये में, तो ये आप तीनों में से कोई भी एक ट्राई कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पज से, और अगर मार्केट में कोई पोजीशन बनानी हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बनाए। तो निफ्टी में थोड़ा सा निगेटिव व्यू है, और हो सकता है निफ्टी आपको 10,650 तक टेस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। वीडियो देखने के लिए